हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग टेलीविज़न इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने इससे पहले सिलेबस, टेलीविज़न इंजीनियरिंग का सिलेबस एनालिसिस वाला वीडियो नहीं दिखा है, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आइए, टेलीविज़न इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन। तो मैंने उस दिन भी टेलीविज़न के बारे में सिलेबस एनालिसिस में बहुत जिक्र किया था, टेलीविज़न के अलग अलग यूनिट्स में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में टेलीविज़न हम लोगों ने घर में अपने आस पड़ोस में देखा है। टेलीविज़न से हम लोग का बचपन से लेकर के अभी तक लगाव है, ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हें टेलीविज़न आकर्षक नहीं लगता है, पसंद नहीं होता है टीवी देखना। तो आइए, इसके बारे में आज तक तो हम लोग देख रहे थे अपनों घरों में, पर इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कोई सिग्नल पिक्चर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे पाता है, कैसे उसका साउंड हम लोग सुन पाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न ये पूरा नाम है जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब ये जो टेलीविज़न है आपका, ये दो ग्रीक वर्ड टेली और विजन से मिल करके बना है। कहने का मतलब टेलीविज़न इन दो ग्रीक वर्ड टेली और विजन के कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिला दीजिए आपका टेलीविज़न आ जाएगा। जहाँ पे ये दो शब्द जो है टेली और विजन, टेली मीन्स होता है दूरी, कहने का मतलब दूरी मतलब डिस्टेंस, और विजन मीन्स होता है देखना। हम लोग टेली मीन्स डिस्टेंस, विजन मीन्स देखना, इट मीन्स कह सकते हैं कि दूर के वस्तु को हम देख पाते हैं। टेलीविज़न में हम लोग क्या है, हमारा क्रिकेट मैच हो रहा होता है इंग्लैंड में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच हो रहा है, इंग्लैंड से हम में हो रहा है मैच, पर हम उसे हम अपने घरों में बैठ करके देख पाते हैं। जैसे अभी अभी राम भूमि का पूजन अयोध्या में हो रहा था, हम लोग घरों में बैठ करके उसको टेलीविज़न पर देख रहे थे। तो टेलीविज़न मीन्स यही होता है, टेलीविज़न जो डिस्टेंस मतलब कि दूरी पे, यहाँ नहीं, यहाँ से और दूर कहीं पे जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसको हम लोग क्या कर पाते हैं, घर पे बैठे बैठे देख पाते हैं। तो यही हो गया इसका टेलीविज़न मीन्स टेली, एंड विजन मीन्स डिस्टेंस, टेली मीन्स होता है डिस्टेंस और विजन मीन्स होता है देखना, मतलब दूर के वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न में हम लोग दो प्रकार का देख पाते हैं, एक साउंड को भी सुन पाते हैं और साउंड के साथ साथ हम लोग पिक्चर को भी देख पाते हैं। तो टेलीविज़न में ये जो है, टेलीविज़न में हमारा लाइट एज वेल एज साउंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ये टेलीविज़न इंजीनियरिंग में हम लोग ये कैसे संभव हो पाता है किसी चीज़ को देखना सुनना। तो ये टेलीविज़न इंजीनियरिंग में हम लोग लाइट कहने का मतलब, जैसे ये फिगर फोटो जितना जो भी हम लोग देख पाते हैं वो सारा का सारा क्या है, लाइट का कॉम्बिनेशन है। कोई भी फोटो वगैरह ये सब जो भी है वो कैसा है, लाइट का कॉम्बिनेशन है। तो इस लाइट के कॉम्बिनेशन के कारण वो फोटो क्रिएट हो पाता है, जिसको हम लोग फोटो और साउंड को भी हम लोग दोनों को देख पाते हैं। तो इन दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन किया जाता है और रिसेप्शन किया जाता है रिसीवर के द्वारा, ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है और रिसेप्शन किया जाता है रिसीविंग एंटीना के द्वारा, रिसीवर के द्वारा। चलिए आइए, तो इसके हिस्ट्री के बारे में जाने कि ये टेलीविज़न आया कहाँ से, इसका कैसे हम लोगों ने इसके बारे में सोचा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, साइंटिस्ट उन्हें हम मैंने वे सिलेबस वाले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, आइए फिर से जिक्र करते हैं। आगे सबसे पहले हमारा आया क्या, रेडियो का आविष्कार जब हुआ, तो रेडियो के आविष्कार होने से हम लोग क्या कर पाते थे, किसी भी साउंड को, किसी दूसरे जगह के साउंड को हम लोग आसानी से सुन पा रहे थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर इस साउंड के साथ साथ हम फिगर भी देख पाते,
क्योंकि मनुष्य से कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं वो 2 कदम 3 कदम आगे की सोचते हैं, वो आगे के सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस साउंड के साथ साथ अगर मैं फिगर भी दिखाने का काम करूं तो कितना अच्छा होगा। तो इसी पे खोजबीन चलते रहा, साइंटिस्ट लोग खोज करते रहते हैं, और खोज करने के दौरान उन्होंने पाया कि साउंड के साथ फिगर को भेजना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साउंड का फ्रीक्वेंसी था, साउंड का बैंडविड्थ जो था, वो जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है, साउंड का एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा था, तो उसको हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करवा ले रहे थे। पर जब फिगर आया, पिक्चर आया, तो पिक्चर का जो एम्पलीट्यूड है वो 100 times ज़्यादा हो गया, साउंड वाले सिग्नल से 100 times ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से हम लोगों को हाई मतलब कि सेवरल चैनल रिक्वायर्ड हो रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा चैनल का हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण से हम लोगों को परेशानी हो रही थी। बट एट लास्ट 20th century के बाद क्या हुआ कि एक हमें एक फोटो सेंसेटिव मटेरियल मिल गया। फोटो सेंसेटिव मटेरियल कहने का मतलब सिलेनियम का यूज, फोटो सेंसेटिव मटेरियल की तरह हम लोग यूज करते हैं, और ये सिलेनियम क्या करता है, ये सिलेनियम वाला मटेरियल क्या करता है, ये किसी भी लाइट के फॉर्म को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, उसके इक्विवेलेंट जितना लाइट का वेरिएशन उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण से हम लोगों का कैमरा का इन्वेंशन हुआ, कैमरा का इन्वेंशन हुआ। और इसी फोटो सेलेनियम फोटो सेंसिटिव सेल के कारण से कोई लाइट वाला फॉर्म हमारा किस में कन्वर्ट होने लगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने लगा, और कैमरा का खोज हो गया, और फिर उसके बाद उसके मदद से हम लोगों ने पिक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए आइए टीवी का इन्वेंशन। तो टीवी का इन्वेंशन हुआ था 1927 में इसका इन्वेंशन हुआ था जे एल वेड ने किया था, जो कि यूके के रहने वाले थे, और सी एफ जेनकिंग जो थे वो यूएसए के रहने वाले थे। तो इन दोनों के मदद से 1927 में टीवी का इन्वेंशन हो गया था। पर उसका ब्रॉडकास्टिंग, रियल ब्रॉडकास्टिंग जो हुआ, रियल ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टेलीविजन सिस्टम हुआ 1936। इसको मतलब मार्केट में लाया गया, ब्रॉडकास्ट करके दिखाया गया, वो कब किया गया, 1936 में किया गया, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ कैमरा और सीआरटी। कैमरा और सीआरटी यहाँ पे दो ट्रांसड्यूसर का वर्क कर रहे थे। कैमरा ट्रांसड्यूसर लाइक एज ट्रांसड्यूसर, मैंने पहले भी बताया था ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा मतलब क्या है जो किसी एक एनर्जी के फॉर्म को किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो कैमरा लाइट वाले एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, और सीआरटी क्या है, उस इलेक्ट्रिकल वाले को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता है। सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब ये पिक्चर ट्यूब होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने मेजरमेंट फर्स्ट में पढ़ा होगा। तो इस तरह से रियल ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टेलीविजन सिस्टम हुआ। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया जो है सबसे पहले इंडिया में 1959 में आपका मोनोक्रोम टेलीविजन, मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट वाला टेलीविजन, और इसको एडेप्ट किस सिस्टम के द्वारा किया गया, तो 625B के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा कभी कभी आ जाता है, तो याद रखिएगा मोनोक्रोम सिस्टम के लिए 625B का इस्तेमाल किया गया था इंडियन सिस्टम में, टेलीविजन सिस्टम में। उसके बाद यूएसए में 1954 में रेगुलर कलर टेलीविजन स्टार्ट हुआ, सबसे पहला फर्स्ट रेगुलर कलर टेलीविजन 1954 में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद हमारा जो इंडिया है, इंडिया में फर्स्ट कलर टेलीविजन प्रोग्राम दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 1982 में, पाल्स, जो कि पाल सिस्टम पे को एडॉप्ट करता था। ये यूरोपियन सिस्टम है और ये पाल सिस्टम पे एडॉप्ट होता है। तो ये पाल सिस्टम का पूरा नाम क्या हुआ, तो पी से हो गया आपका फेज, ए से हो गया अल्टरनेट, और बाई लाइन, फेज अल्टरनेट बाई लाइन सिस्टम के द्वारा फर्स्ट कलर टेलीविजन प्रोग्राम दिल्ली में 1982 में किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने टेलीविजन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, इसके हिस्ट्री के बारे में जाना कि कहां से ये क्रिएट हुआ। अब इसमें से ये सब जितने भी पॉइंट है, जैसे कैमरा, कैमरा ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करता है,
ये इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह ये किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। सीआरटी भी एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। ये किसको किस एनर्जी के फॉर्म में, किस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म को लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ये 1959, 1954 कब ये सब स्टार्ट हुआ, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। और फिर इधर आपका इंट्रोडक्शन में टेलीविजन कैसे बना, इसको कैसे हम लोग डिवाइड करें, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आपका इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तो यहाँ से मिल जाएंगे। ये कैमरा हो गया, सीआरटी हो गया, ये सब मिल जाएंगे आपको, ये इक्वेशन वाला भी मिल जाएगा। ये पाल सिस्टम का फुल फॉर्म आपका आ सकता है, तो पाल का फुल फॉर्म एक बार फिर से, फेज अल्टरनेट बाय लाइन होता है। ये यूरोपियन सिस्टम के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, जो इंडिया यूरोपियन सिस्टम को इंडियन ने अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन हो गया। अब यहाँ पे सबसे, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एलिमेंट ऑफ टेलीविजन, एलिमेंट ऑफ टेलीविजन। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था रेडियो बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा था, तो उसमें हम लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट के बारे में जाना था, जो कि केवल और केवल साउंड का बारे में वहाँ पे चर्चा था। जैसे माइक्रोफोन था, फिर ट्रांसमीटर था, चैनल था और रिसीवर था, उसके बाद फिर आपका आउटपुट स्पीकर था। तो हम लोग आइए जानते हैं एलिमेंट ऑफ टेलीविजन, एलिमेंट ऑफ टेलीविजन। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि टेलीविजन में हम लोग दो चीज को कवर करते हैं। दो चीज को कवर, कौन कौन मेन चीज है, तो पिक्चर के साथ साथ साउंड, पिक्चर के साथ साथ साउंड। कहने का मतलब पिक्चर के साथ साथ साउंड को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं, दोनों काम एक साथ किया जाता है। तो एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम में देखा जाए तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो सकता है, तो हमारा साउंड को क्रिएट करने वाला, और मतलब कि साउंड को क्रिएट करने वाला और ये जो हमारा पिक्चर का फॉर्म हो उसको क्रिएट करने वाला। तो सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है, तो ये कैमरा हो सकता है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, कैमरा हो सकता है। सेकंड में आपको साउंड को क्रिएट करने वाला आपका माइक्रोफोन हो सकता है, माइक्रोफोन। उसके बाद आप क्या हो सकता है, तो ट्रांसमीटर हो सकता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला। उसके बाद क्या है, तो रिसीवर हो सकता है। उसके बाद क्या है, तो एंटीना हो सकता है। उसके बाद क्या है, तो एंटीना के बाद आपका हो सकता है स्पीकर, और सेवन में हो जाएगा आपका पिक्चर ट्यूब। तो ये हो गया एलिमेंट ऑफ टेलीविजन। ये आपका चार नंबर में, चार मार्क्स में ये आपका पूछा भी जाता है, चार मार्क्स में हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि राइट द एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा, कैमरा के बारे में आइए जानते हैं। कैमरा क्या है, तो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। और ये क्या करता है, किसी भी, जैसे ये सब जितने भी पिक्चर हम लोग देख पाते हैं वो क्या है, हमारा लाइट का कॉम्बिनेशन है, लाइट का वेरिएशन है, कॉम्बिनेशन है। और इसी लाइट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इस कैमरा में, कभी अभी हमने जिक्र किया फोटो सेंसिटिव मटेरियल सिलेनियम, वो सिलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि लाइट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग, लाइट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता है। जितना लाइट का वेरिएशन रहता है उसके अनुसार इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता है। तो ये कैमरा क्या करता है, तो कैमरा एक इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करता है। और ये क्या करता है, लाइट के कॉम्बिनेशन को, मतलब कि लाइट के एनर्जी के फॉर्म को इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। और ये साउंड के, जो हम बोल रहे हैं ये साउंड है, इसको किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, तो साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ट्रांसमीटर क्या है, तो ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है।
ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इसके बारे में आप लोग ट्रांसमीटर के बारे में डिटेल में आप लोग रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में पढ़िएगा, जो कि आलोक सर पढ़ाएंगे आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ट्रांसमीटर क्या है, तो ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। रिसीवर क्या है, तो रिसीवर सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। और फिर उसके बाद एंटीना, तो एंटीना दो प्रकार के, मतलब कि ये कहाँ पे वर्क कर रहा है इसके आधार पे, जैसे लाइक है ट्रांसमीटर में एंटीना लगा हुआ, तो इसको हम लोग TX के द्वारा सूचित करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना कहने का मतलब यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना में ये एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और रिसीविंग एंटीना RX से डिनोट करते हैं इसको, और यहाँ पे RX के जगह पे ये क्या करेगा, RX मतलब कि रिसीवर में ये एंटीना किस तरह से वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो एंटीना भी लाइक है एक ट्रांसड्यूसर है, ये क्या कर रहा है, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसमीटर में ये इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर रहा है, रिसीवर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद है आपका स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, तो स्पीकर भी एक ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वाले सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पिक्चर ट्यूब क्या है, तो पिक्चर ट्यूब भी एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वाले एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिस पर हम लोग पिक्चर ट्यूब पे हम लोग कोई भी फिगर को देख पाते हैं, स्पीकर के द्वारा हम लोग साउंड सुन पाते हैं। एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने में हेल्प कर रहा, रिसीवर किसी भी सिग्नल को रिसीव करता है आपका, और ट्रांसमीटर के द्वारा हम लोग किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है, तो साउंड वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, और कैमरा लाइट वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हो गए आपके बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट द एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम। तो इसके बाद एक और टॉपिक आप लोग याद रखिए, एम ऑफ टेलीविजन, एम ऑफ टेलीविजन। तो टेलीविजन का एम क्या है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का फोकस क्या है, कि हम लोग अच्छे से अच्छे इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में जानें, और उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब हम लोग अच्छा से अच्छा जॉब कर सकें। तो उसी तरह से टेलीविजन का एम क्या है, टेलीविजन का एम क्या होता है, कि ये किसी भी फिगर को लाइक है जिस तरह से हम लोग नेचुरली वे में पा रहे हैं, जैसे अपनी आंखों से जो हम लोग दृश्य देख पा रहे हैं, सेम टू सेम वही दृश्य ये आपको टेलीविजन पे भी दिखा सके। तो यही है इसका मेन एम। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में करके बताइएगा, और इसको इसका PDF आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ, 4763063474 ये WhatsApp नंबर है मेरा, अभिषेक सर, और इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर और इसमें जो भी आप लोग को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग इस पर प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज ये टेलीविजन इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट का ये फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन और एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इसमें इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि ये वीडियो देखे आप लोग को अच्छा लगता है तो, और जैसा भी आप लोग को लगता है कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे हम लोग का मनोबल थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम लोग के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक हम लोग का होगा मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम, मतलब कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टेलीविजन